हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपको खुश आमदीद है। ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद में फजल बग जो भी तदबीर करता है अपनी मोहब्बत को पाने के लिए, वो उलट ही होती चली जाती है और उसको बहुत ज्यादा आजमाइशों से गुजरना पड़ रहा है। यही होगा इश्क मुर्शद की अगली एपिसोड में। अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि शिब्रा को पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी तो उसने पुलिस वाले के हाथ पकड़ने पर उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया था, जिस पर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उनकी आपस में बहुत बदतमीजी हो गई और पुलिस वाले ने उसको कहा कि तुम तो अब लंबी अंदर जाओगी, मैंने तो तुम्हारे डेथ वारंट जारी कर दिए हैं। फजल बग जब उससे मिलने के लिए जाएगा तो वहाँ उदास परेशान बैठी सोच रही होगी कि उसने ऐसा क्या कह दिया था दाऊद अली खान को, उसके साथ एक पॉजिटिव तनकीद ही की थी। सिर्फ इतना ही कहा था ना कि ये आज की यूथ है, इसको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता और आप यहाँ पर हमें वही पुरानी घिसी पिटी बातें करने लग पड़े हैं। और फजल बख्श यहाँ उसको ऐसा देखकर बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा होगा। उधर जब शिब्रा की फूफो को पता चलेगा कि शिब्रा को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है और उसने पुलिस के साथ बदतमीजी भी की है, तो वो आकर उसकी माँ के साथ बात करेगी और कहेगी कि मेरी बात का बुरा मत मनाना, अगर बुरा नहीं मनाती तो एक बात करूं तो उसने कहा कि पहले आके कौन सी बात हमें अच्छी लगी है जो ये बुरी लगेगी। दाऊद अली खान यहाँ पर हमोश नहीं बैठा हुआ, उसने इन्वेस्टिगेशन करवाई है कि ये लड़की आखिर है कौन, इतनी बेबाक क्यों है, कैसे इतने बड़े मजमे में उसने मेरे साथ इस तरीके से बात की। तब उसको पता चलेगा कि ये सलमान अहमद की बेटी है जिसने एक दफा हमारे लिए कैंपेन में काम किया था। तो देखते रहिए ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद, मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।